भूलकर भी या गलती से भी इस नंबर पर कॉल मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और इस नंबर पर कॉल करने से क्या होता है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग भी इस नंबर पर कॉल करने से डरते हैं, वो लोग भूलकर भी इस नंबर पर कॉल नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों 1980 में रेन नामक चाइनीज व्यक्ति को उसके एक दोस्त ने बादाम तोड़ने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। रेन उस लकड़ी के टुकड़े को 25 सालों तक बादाम तोड़ने में इस्तेमाल करते रहे। लेकिन एक दिन रेन को वैसा ही एक टुकड़ा टीवी पर दिखा, जिसके बाद रेन ने जल्दी से पुलिस से कॉन्टेक्ट किया। जब पुलिस ने रेन का लकड़ी वाला टुकड़ा देखा तो बताया, ये कोई बादाम तोड़ने वाला टुकड़ा नहीं बल्कि लकड़ी बॉम्ब है। अगर तुम धोखे से भी इसके पीछे वाले हिस्से को खींच लेते तो ये बॉम्ब 6 सेकंड के अंदर ही फट जाता और तुम्हारे तोते उड़ जाते। मतलब कि रेन भाई साहब 25 सालों तक बॉम्ब से बादाम तोड़ते रहे। दोस्तों क्या आपको पता है, इंसानों की तरह जब भी किसी गिलहरी के बच्चे के माता पिता मर जाते हैं तो दूसरी गिलहरी उस बच्चे की देखभाल करने के लिए उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और उस बच्चे की पेरेंट्स की तरह केयर करती हैं। और क्या आपको पता है, गिलहरी इंसानों से भी ज्यादा पेड़ लगाती हैं, क्योंकि ये अपने अखरोट को छुपाने के लिए जमीन में गाड़ देती हैं और फिर उस अखरोट को भूल जाती हैं, जिसके बाद वो अखरोट एक पेड़ बन जाता है। क्या बात है। दोस्तों 1850 में जूते कुछ इस तरह बनाए जाते थे कि उनमें उल्टे सीधे का कोई सिस्टम ही नहीं होता था, मतलब किसी भी जूते को किसी भी पैर में पहन सकते हो। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है दुनिया का सबसे पहला कैमरा। इस कैमरे को सिर्फ उठाने के लिए 15 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इस कैमरे को बनाने में $5,000 यानी आज के समय में 3,64,885 रुपए लगे थे। यह है दुनिया की सबसे पहली फोटो जिसे खींचने में 8 घंटे लगे थे। दोस्तों इंडोनेशिया में टोरोजा जनजाति के लोग एक ऐसी परंपरा को निभाते हैं जिसे जानने के बाद आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे। टोरोजा जनजाति के लोग साल में एक बार एक ऐसी प्रथा को निभाते हैं जिसमें वो लोग मरे हुए लोगों को उनकी कब्रों से निकाल कर नहलाते हैं और उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, फिर उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो लोग जिंदा हों और उन मरे लोगों को अपने साथ घुमाते भी हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों अब बात करते हैं इस मिस्टीरियस नंबर के बारे में जिस पर कोई भी कॉल नहीं करना चाहता है। अमेरिकन्स का कहना है कि इस नंबर पर कॉल करने से एक ड्रावनी आवाज सुनाई देती है जो कि कॉलर का नाम पुकारती है, मतलब कि जिसने भी उसे कॉल किया है वो आवाज उसका नाम लेती है और एक एलियन जैसी आवाज कुछ नंबर बोलती है, जैसे कि वो आवाज उन नंबर्स की हेल्प से कुछ समझाना चाहती हो। और बाद में एक बहुत ज्यादा डरावना वाइब्रेशन साउंड सुनाई देता है जिसके बाद आपको डर कर कॉल कट करना ही पड़ेगा। दोस्तों क्या ये नंबर एलियंस का या फिर किसी इंटेलिजेंट एजेंसी का जो कि हमारा पर्सनल डेटा कलेक्ट करना चाहती हो, ये बात आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ भी हो पर आप इस नंबर पर कॉल मत करना। दोस्तों ताइवान में एक टॉयलेट थेम्ड रेस्टोरेंट है जिसकी चेयर टॉयलेट सीट की तरह दिखती हैं और जिसमें खाना परोसा जाता है वो भी छोटी टॉयलेट सीट की तरह दिखता है। इस रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि टॉयलेट में आ गए हों। कौन कौन यहाँ आकर खाना खा सकता है कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों लियोनार्डा सियान सी उल्ली जो कि साबुन और केक बनाती थी, लेकिन ये जिस चीज से साबुन बनाती थी उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक आम महिला नहीं बल्कि एक सीरियल किलर थी जो कि बहला फुसला कर लोगों को अपने घर बुलाती थी और उन्हें मारकर उनकी बॉडी से साबुन और केक बनाती और उन्हें बेचा करती थी। दोस्तों अगर आपने कंजूरिंग मूवी देखा है तो आपने इस एक्ट्रेस को तो जरूर देखा होगा। इस एक्ट्रेस ने बताया कि शूटिंग से पहले उनके कंप्यूटर पर पंजों के निशान थे जिस पर उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं दिया। फिर शूटिंग के एक दिन बाद जब उन्होंने अपनी जांघों को देखा तो उनमें भी 3 पंजों के निशान थे, जिन्हें देखने के बाद ये काफी ज्यादा डर गई और फौरन चर्च गई, जिसके बाद फिर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों इंडिया में आप आसानी से किसी का भी वाईफाई यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिंगापुर में ऐसा किया तो आपको 8 लाख रुपीज तक का फाइन और 3 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना यहाँ पर इलीगल है।
दोस्तों जो आप लोग गन्ने का जूस पीते हो ये दुनिया की सबसे जल्दी एक्सपायर होने वाली चीज है, जो कि सिर्फ 15 मिनट में एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर होने के बाद अगर आप इसे पीते हो तो इसके टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आता है, लेकिन इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। दोस्तों मैक्सिको के एक सागर के अंदर एक नदी है, मतलब कि पानी के अंदर एक नदी है, और ये नज़ारा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।